बाबा जी वहां जानते हैं हम नोटिस किए ना, मेरा ना छोटा हो गया बाबा जी, छोटा तो हो गया, तो वही अब सोचे आपसे उपाय पूछे कि क्या करना है उसका, कि थोड़ा सा काम बढ़ गया है, थोड़ा हाथ का यूज अब ज्यादा कर रहे हैं। क्या बोले नहीं, वो तो ठीक है, वाइफ तो है, लेकिन क्या बोले बताइए, एक वो बेटी है मेरी, अभी हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे थे दूसरा बच्चा का, बताइए जो छोटा हो जाएगा तो क्या दिक्कत नहीं होगा? अरे क्या डॉक्टर डॉक्टर वाला काम नहीं है ये, समझे, हर चीज में डॉक्टर काम नहीं आता, जहां सुई का, जब सुई का काम होता है ना, तलवार वहां कुछ नहीं कर पाता, जहां तलवार लग रहा है तो वहां सुई से कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड फ्रेंड्स। तो गाइस अभी जस्ट मैं अभी ऑफिस से आया हूँ मैं, और आते ही मेरे माइंड में एक प्रैंक क्लिक किया कि क्यों ना मैं एक डबल मीनिंग प्रैंक करूँ आप लोगों के लिए। बाबा जी ने मुझे बताया है कि मेरी जो है ये हाथ की रेखाएं, जो जीवन रेखा होती है वो छोटी हो रही है। मजाक कर रहा हूँ, कोई छोटी नहीं हो रही है, लेकिन मैं बाबा जी से बात करूंगा अपनी वाइफ के सामने, देखता हूँ उसका रिएक्शन क्या होता है, क्या वो सोचती है। तो गाइस मेरे हिसाब से तो वीडियो थोड़ा मजा आएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मिलते हैं प्रैंक में। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ, आज मैंने मंगाया है मामा अर्थ के बीटरूट फेस वॉश और मॉइस्चराइजर। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं अपने फेस को वॉश करूंगी मामा अर्थ बीटरूट जेंटल फेस वॉश से, जिसमें है बीटरूट एंड हाइलुरोनिक एसिड। बीटरूट हमारे स्किन को नेचुरल ग्लो देता है, हाइलुरोनिक एसिड प्रमोट्स हाइड्रेटिंग जेंटल क्लींजेस। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है ये प्रोडक्ट, मेड सेफ है, सोफ फ्री है, सुटेड ऑल स्किन टाइप। जिनका स्किन सेंसिटिव है उनके लिए भी ये फेस वॉश बहुत ही अच्छा है। गाइज अपने फेस को वॉश करने के बाद अब मैं लगाऊंगी मामा अर्थ बीटरूट हाइड्राफुल मॉइस्चराइजर, जिसमें है बीटरूट और हाइलुरोनिक एसिड। बीटरूट हमारे स्किन को नेचुरल ग्लो देता है, हाइलुरोनिक एसिड प्रमोट्स हाइड्रेशन, वाटर लाइट एंड क्विक एब्जॉर्बिंग, 48 आवर्स तक हाइड्रेट करता है हमारे स्किन को, मेड सेफ है, ऑयल फ्री फॉर्मूला से बनाया गया है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सुटेड ऑल स्किन टाइप है, सुटेड फॉर ऑल सीजन है। फ्रेंड्स मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है, इसके सारे प्रोडक्ट नेचुरल होते हैं, किसी भी तरीके का केमिकल यूज नहीं होता है, इसके सारे प्रोडक्ट प्लास्टिक पॉजिटिव होते हैं। ये सारे प्रोडक्ट आप मंगा सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, फर्स्ट ट्राई और पर्पल से। मामा अर्थ ने अपना ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च कर दिया है, तो ये सारे प्रोडक्ट आप मामा अर्थ ऑफिशियल ऐप से, मामा अर्थ वेबसाइट से या फिर अपने नजदीकी ऑफलाइन स्टोर से भी आप परचेस कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड लगाइए पुनीता 2024 और पाइए एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मामा अर्थ आपके हर एक ऑर्डर पर लगाता है एक पौधा, तो अभी शॉपिंग कीजिए मामा अर्थ से। कुछ नहीं वाला अच्छा लग रहा है। सूट कितना सूट लीजिएगा जी? कहाँ सूट ले रहे हैं आप? सूट पहनिएगा। क्या पहनेंगे? क्या असल जेब में रहता है? देखिए ना अच्छा लग रहा है, होली में व्हाइट कलर का है भी, देखें ना अच्छा लग रहा है। बाप रे बाप, बोलिए ना जी। तो ले लिए ना जी, आपको हम भेजे, देखिएगा अपने फोन में। सुनिए अभी मेरे पास पैसा फालतू नहीं है, वो सूट पूट करके देंगे अभी। हम आपको खरीदने नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं ना कि आपको भेजे हैं, देख लीजिएगा, समझे? बाबा जी हेलो, बाबा जी प्रणाम। हाँ हाँ फोन किए थे आपको। हाँ थोड़ा सा लंबा बात करना था, फुर्सत में है अभी? हाँ नहीं नहीं मतलब अच्छा, कहाँ आप कहाँ पे? अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। हाँ पूरा आजकल चल तो रहा है। अच्छा बाबा जी सुनिए ना, ये वो मतलब हाँ वो कष्ट तो है, छोटा कष्ट होता आपको क्या क्या फोन करते, छोटा मोटा कष्ट तो हम ऐसे ही निपटा लेंगे, बड़ा कष्ट है बाबा जी। नहीं हम एक्चुअली क्या है ना बाबा जी, एक मंदिर के पास ना हम गए थे वहां पे, तो वहां पे एक और पसंद आया है? तो हाँ नहीं बाबा जी वहां जानते हैं हम नोटिस किए ना, मेरा ना छोटा हो गया बाबा जी, तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। हाँ वही वही छोटा तो हो गया, तो वही अब सोचे आपसे उपाय पूछे कि क्या करना है उसका।
टेंशन में आ गए, टेंशन होगा नहीं बाबा जी गजब वाले, तो विश्वास है बाबा जी, ऐसा बात नहीं है। सुन नहीं, अब मान लीजिए इतना सब कुछ हम मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, बताइए दिल्ली से हम बोकारो आ गए, सोचे कि मतलब परिवार लोगों को खुश रखेंगे यहाँ पे, बताइए अभी बेचारे क्या उम्र हुआ है अभी, अभी तो हम लोग, अब हम लोग तो बचपन में शादी किए, अब जवान हुए हैं, तो अब ये बताइए छोटा हो गया कैसे हो गया, और कैसे बोले आजकल क्या है ना कि थोड़ा सा काम बढ़ गया है तो हाथ का यूज अब ज्यादा कर रहे हैं। क्या बोले तूने? नहीं नहीं वो तो ठीक है, वाइफ तो है, लेकिन क्या बोले आजकल हाथ का यूज इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं ना, तो हमको डर लग रहा है कहीं वैसे ही छोटा होते गया तो गायब हो जाएगा, तो हम करेंगे क्या फिर? अब बताइए हमको बाबा जी, हम रात में हम खाना नहीं खा पाते रहते चिंता के चक्कर में, बताइए एक वो बेटी है मेरी, अभी हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे थे दूसरा बच्चा का, बताइए जो छोटा हो जाएगा तो क्या दिक्कत नहीं होगा? नहीं बाबा जी कुछ तो नहीं लगा छोटा, बाबा जी कुछ उपाय बताइए। देखिए हम जानते हैं, हम जब अकेले में हम रहते हैं तो हम यही सोचते रहते हैं कि चलो मेरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बेचारी बताइए ये अभी जवान हुई है, मतलब हाँ तो बाबा जी जरूरत पड़ता है तो हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है, हाथ का इस्तेमाल कब कर रहे हैं बाबा जी, क्या करें बताइए। देखिए बहुत उम्मीद से आपको फोन किया बाबा जी, आप ही कुछ कर पाइएगा, नहीं तो हम डर बैठ गया था बाबा जी। अरे बाबा जी सही बात है, छोटा होने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अब बताइए, नहीं हमको विश्वास है बाबा जी, ऐसा बात नहीं, हमको विश्वास है सब चीज में, अगर मान लीजिए गायब हो गया तो क्या करेंगे हम, तब तो सारा मर्द होगा ही बेकार फिर है? नहीं तो उसमें मेडिकल नहीं बाबा जी, आप समझ नहीं रहे ना बाबा जी, आप मेरा दुख दर्द तो समझिए बाबा जी, बहुत उम्मीद से आपको फोन किए हैं, कुछ उपाय बताना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं चलेगा बाबा, क्या नहीं बताएंगे, डॉक्टर से मिलिए ना। ठीक है बाबा जी सुनिए ना, कब रात में बाबा जी, तो मुझे कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगा, तो क्या मतलब वाइफ को भी लेके आएंगे? नहीं तो इसको कहां लेके आएंगे? क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। अरे एक मिनट रुकिए ना जी, गजब नहीं परेशान करते हैं, बताइए बाबा जी चिंता से तो मैं परेशान होते जा रही हूँ, क्या करें बताइए बाबा जी। हम आपका जो भी फीस लगेगा हम करने के लिए तैयार हैं, आपको सब कुछ करेंगे, हमको विश्वास अब आप ही पे है। नहीं मंद विश्वास पे आप ही पे है, अंधविश्वास वाला आदमी बाबा जी। देखिए वाइफ अब हमको कोसने भी लगी है, बताइए अभी बाबा जी हम आप रखिए पहले फोन, एक काम कीजिए बाबा जी, हम ना 11:30 बजे जो है हम आते हैं आपके पास, ठीक है? हाँ ठीक, हम 11:30 बजे तक आपको जाते हैं, आप 11:30 बजे रात में जाइएगा, तो जब बाबा जी बोलो 11:30 बजे रात में जाने के लिए, तुम रात में क्या होता है, देख रहे बाबा जी मैं वाइफ का दिमाग भी खराब होता जा रहा है, मेरा छोटा क्या हो गया दिमाग खराब होता जा रहा है, अब जानते हैं इतना दिन हम छुपा करके बात हम किसी को बताया नहीं थे, आपसे बात करने के चक्कर में इसको पता चल गया, अभी हमको पूरा दिन भर कोसे गया यार छोटा, ठीक हम इसको भी लेके आते हैं, ठीक हम इसको भी लेके आते हैं बाबा जी, इसको भी लेके आते हैं, ऐसा मंत्र मारिएगा बहुत मारिएगा उसका दिमाग जो है स्थिर हो जाए, कितना छोटा हुआ है जी हमको पता ही नहीं चलता। ठीक है रखिए बाबा जी, प्रणाम बाबा जी, बाबा जी प्रणाम। क्या परेशानी है आपका, बुद्धि बात कर रहा है, समझ में आ रहा है बाबा जी क्या करेंगे, बाबा जी मेरा लंबा करेंगे और क्या करेंगे, बाबा यहाँ पे लंबा करेंगे तो और क्या करेंगे, वाह यहाँ डॉक्टर को बैठा है हॉस्पिटल में खोल खोल के वैसे बैठा है, अरे पागल है क्या, डॉक्टर डॉक्टर वाला काम नहीं है ये समझे, हर चीज में डॉक्टर काम नहीं आता, जहाँ सुई का जब सुई का काम होता है ना तलवार वहां कुछ नहीं कर पाता, जहाँ तलवार का जरूरत वहां सुई से कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा, समझ में आया, बाबा जी लंबा कैसे करेंगे, कैसे करेंगे उनका उपाय है, अपना हाथ से करेंगे जैसे भी करना, अच्छा, करेंगे, हाथ करना। से खींच के लंबा कर देंगे आपका, यार उनके पास पावर है, उनको शक्ति है, उनके बारे में हम सुने हैं, हमको पता कैसे नहीं चला कि आपको छोटा हो रहा है, अब इसके लिए क्या आएंगे क्या नापने के लिए, अब हम स्केल उसके लेके नापे क्या, यार महसूस कर रहे हैं समझे, हम नोटिस कर रहे हैं कि हर दिन मेरा माइक्रो इंच छोटा होते जा रहा है, बाबा जी देखे हैं वो खुद बोले कि तुम्हारा तो बेटा छोटा होते जा रहा है, कुछ सोचो इसके बारे में, बाबा को कब दिखा दिया आप, बाबा को सुनिए इतना ना हमको बहस करना नहीं आता है, क्या बहस करना नहीं आता है, मरे जा रहे हैं क्या होगा, भागे जा रहे हैं आप,
बाबा साहब, बाबा को क्या कर देंगे, बाबा का लंबा खींच कर देंगे क्या? अब बाबा साहब क्या करवा रहे हैं? बाबा जी बाबा को रेगुलर बेसिस पर दिखाते रहते हैं यार, आप क्या समझ रहे हैं इनको? देखिए हर चीज में ना बड़ों का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, तो हमको जब मौका मिलता है बाबा जी को जाकर दिखाते हैं। बाबा जी 2-3 बार से हमको बोल रहे हैं कि बेटा तुम्हारा इस बार थोड़ा सा छोटा हो गया है, इस बार और थोड़ा सा छोटा हो गया है। जब भी हाथ लगाते हैं बोलते हैं नहीं थोड़ा सा छोटा तो लग रहा है बेटा, तो हम क्या बोले बताइए इसमें? आप उनको हाथ लगाने देते हैं? अरे हाँ भाई हाँ हाँ, कभी आंख से देखते हैं, कभी हाथ लगा के छू के देखते हैं, तो उसमें टेंशन क्या होगा बाबा जी? सुनिए ना, हमको विश्वास है उन पे, समझे? फालतू बात मेरे साथ मत कीजिए। मेरा बात सुनिए, साड़ी पहन लीजिएगा, 11:30 बजे रात में हम लोग साड़ी पहन, हम नहीं आई जा रहे हैं और कुछ आप अंधविश्वास में फंसे गए ना, हमको नहीं फंसना है। सुनिए साड़ी पहन लीजिएगा, वो ज्ञान देते हैं साड़ी, लहंगा पहन ले, चले लहंगा पहन के। सुनिए चलना है तो चलना है, बाबा जी बोले हैं आने के लिए तो आना पड़ेगा। जब आपको ना अलग, जब ऐसा कुछ होता है ना जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ। तो बाबा जी का ठुल्लू कुछ नहीं काम करेगा, डॉक्टर, डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर। यार इसमें डॉक्टर की क्या जरूरत है, आप जबरदस्ती हर चीज में डॉक्टर ही का जरूरत है। आपको दिमाग में बाबा ही घुसा हुआ है ना, कौन तांत्रिक बाबा, कौन बाबा है पता नहीं, यहाँ आके बाबा ही घुस गया है। नोएडा में थे तो बड़ा उनको हर चीज डॉक्टर में बिलीव कर रहे थे, यहाँ आने का खाली तांत्रिक बाबा ही पे इनका ध्यान चाह रहा है। जब बुद्धि नहीं है ना तो नहीं बोलना चाहिए, समझे कि नहीं? मेरे पास बहुत बुद्धि है, कितना बुद्धि है ना, इसलिए देखते हैं पाव पाव भर का दोनों पैर में बुद्धि है आपका, बकलो नहीं। यार कभी तो पति को बर्रा कीजिए, कभी तो पति का बात मानना, हमको नहीं मानना है सब, हमको और हमको कहीं जाना भी नहीं है। साड़ी पहन के आए इतना, हम हाथ में यूज करते हैं ना, तो हाथ से क्यों करते हैं? तो क्या ये पैर से करें, पागल हो गए नहीं क्या जी, हाथ से क्यों नहीं करते हैं? जब हम हैं तो आपको हाथ से कौन बोलता है करने के लिए? आपको हम कहाँ कहाँ लेके जाएं? जब कहीं बाहर जाते हैं कुछ काम रहता है तो क्या आदमी हाथ से नहीं करेगा, तो क्या गोड़ से करेगा, जीभ से करेगा, बकलोल कहीं की? मतलब आपको कितना दिन के लिए आप बाहर जाते हैं, कितना दिन के लिए आप बाहर जाते हैं जो आपको इतना जरूरत पड़ जाता है करने का? अरे दिमाग में खराब है क्या? हम कहीं बाहर काम करने जाते हैं, ऑफिस जाएंगे तो क्या हम आपको लेके जाएंगे? क्या मेरा पेन पकड़िए, आप मेरा करिए सब कुछ काम, लैपटॉप पे काम कीजिए, आप कीजिएगा मेरे बदले, लैपटॉप पे काम होता है, गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ना पड़ता है, गियर संभालना पड़ता है, गियर पकड़ दो सब। यार तो ये सब क्या मतलब है उसका, ये सब करते हैं उसमें वो छोटा क्यों हो रहा है? यार वे सब करते हैं तभी तो छोटा हो रहा है यार, अब दिमाग कहाँ कहाँ क्या खाली है, मेरा। अरे यार देखिए इधर, ये देखिए इधर, ये देख रहे, ये है किस्मत का रेखा, ये जीवन का रेखा, ये देखिए जीवन रेखा छोटा हो रहा है, पहले यहाँ तक आता था। वही बाबा जी को जब दिखाते बोलते हैं बाबा बेटा तुम्हारा पहले यहाँ तक था, देखो अब थोड़ा छोटा होकर यहाँ पहुंच गया, अब देखिए यहाँ तक आ गया, दिख रहा है आपको जीवन रेखा? आपको समझ में, मजाक कर रहे हैं क्या? एक बच्चा मेरा अभी अभी हम लोग और प्लानिंग कर रहे थे, जीवन रेखा मतलब छुटा होता तो गायब हो जाएगा, कौन संभालेगा फिर आपको? आपका उम्र हो गया है जाने का, क्या चिंता जरा से भी नहीं पति का है क्या? आपको पति अगर चला जाएगा, सोचिए जीवन रेखा मेरा पहले यहां तक आता था, अब ये देखिए आप इस हाथ का ज्यादा यूज कर रहे हैं, स्टेयरिंग पकड़ रहा है, आजकल लैपटॉप पे काम करना पड़ता है, समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे रख के काम करते हैं, देखिए यहाँ से घिस रहा है, यहाँ से देखिए जीवन रेखा, देखिए कहाँ तक पहुंच गया है जीवन रेखा। आप क्या कम अब खत्म होने वाले हैं क्या? तो जीवन रेखा छोटा होगा, चिंता नहीं होगा जी हमको? मतलब बाबा से जीवन रेखा के लिए आपको बात करना है, तो और हम कैसी बात करेंगे? बाबा और क्या लंबा करेंगे, जीवन रेखा लंबा करेंगे ना? देखिए आप देखिए, दिख रहा है आपको पहले, देखिए बहुत चिंता हो रहा है, मेरा छोटा हो रहा है, हमको बड़ा करवाना है। आप ना प्लीज थोड़ा ना साफ साफ बोला कीजिए कि तो हम क्या गंदा गंदा बोल दिए जी, हम साफ साफ तो बोल रहे हैं। बाबा जी बोले क्या जीवन रेखा जो देखते हैं हम बोले हाँ आप वही और क्या। पर आप तो हमको अलग ही टेंशन दे दी है, अब हम तो कुछ और समझ रहे थे, अब आप ये बोल दिए आपको जीवन रेखा कम हो रहा है तो हमको टेंशन हो गया। तो टेंशन वाला बात है तो टेंशन होगा नहीं, लड़ाई क्या कर रहे हैं सर आप? अरे यार हम सोचे कि आप बाहर जाके अपने हाथ से क्या क्या करते हैं कदम का काम। हे अरे यार दिमाग वक्त सही है आपका जी, चलो हम जीवन रेखा बात कहाँ कहाँ दिमाग लेके चले जा रहे हैं अपना। यार सब तो जीवन रेखा कम हो रहा है, ये देखिए ना ये नहीं देख रहे हैं, मतलब वो ये क्या यहाँ तक था पहले? हाँ कम लग, छोटा लग रहा है, हम पहले थोड़ा देखे थे कितना बड़ा था, आजकल हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं ना इसलिए छोटा हो रहा है, समझे? कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, एक काम कर कीजिए आप चलिएगा मेरे साथ हर समय हर तरफ हर जगह, ठीक है? अरे यार बोल रही है ना सही सही, देखिए बाबा जी आगे गेट पर, अरे प्रैंक कर रहा था बकलोली, जीवन रेखा